लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए होती है कि बस हमें आप क्लियर दे दें मैदान, बाकी ठीक है वो हमारे लिए। इलेक्शंस का भी यही होता है, जिसके रिजल्ट जिसके हक में आ जाते हैं वो कहता है जी बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, जो हार जाता है वो हमेशा कहता है कि जी धांधली हुई है। उस पर जाहिर है एतबार हो ही नहीं सकता है इलेक्शन प्रोसेस पे। हम यहाँ बैठ के रोज बात कर रहे होते हैं ना मकबूलियत और कबूलियत की, क्या बात कर रहे होते हैं कि चूंकि अब वो मकबूलियत जितनी मर्जी हो वो नहीं आ सकते। ये तासुर कुछ अरसे से दिया ही ये जा रहा है कि चूंकि कायद का इतना शानदार इस्तकबाल भी हो गया, उनको सारी फैसिलिटीज भी मिल रही हैं। आज वो गवर्नर हाउस लाहौर में गए हुए थे, 6 घंटे ताजियत ही करते रहे वो गवर्नर से, तो वो कायद के लिए तो सब कुछ मौजूद है, उनको तो नहीं रोका जा रहा, तो उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड इससे अच्छी हो नहीं सकती। इसलिए परवेज रशीद साहब की बात को मैं चैलेंज कैसे कर सकता हूँ कि बुखला आके बोल रहे हैं कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं है पीटीआई को, लेकिन चूंकि बुखला आके बोल रहे हैं इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये इस तरह से नहीं होती लेवल प्लेइंग फील्ड। बिल्कुल 2018 का हवाला देते हैं ये लोग के जी, वो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब अंदर थी, कुछ और वो तोड़ तोड़ के बंदे भी उधर दिए जा रहे थे, वो सब कुछ अच्छा, वो ये चीजें उससे पहले भी होती रही, हमेशा होती रही, लेकिन जो इस दफा सबसे डिफरेंट चीज हो रही है वो यही तो हो रही है कि एक कोई अगर अनाउंस भी कर दे कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है पीटीए की तरफ से, उस पर मुकदमे बन जाते हैं, उसको उठा लिया जाता है, कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं है, जलसा तो खैर बहुत दूर की बात है, कायद को जलसे की भी इजाजत मिल जाती है कि आराम से आके जलसा भी कर लें, तो उनके लिए तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है। पीपल्स पार्टी जो रो रही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि जो बहुत से लोग जिन पे तकिया किए हुए थे वो लोग पीपल्स पार्टी वाले की, पीपल्स पार्टी भी जब चाहे जांच जलसा कर सकती है। नहीं, वो जलसे से हट के मैं उससे अगली बात कर रहा हूँ ना, उनको जलसे से तो जाहिर है आप नहीं रोक रहे ना ही रोकेंगे, लेकिन वो जो लोग जिनको उन्होंने वो पिन पॉइंट किया हुआ था कि ये हमने पार्टी में ले लेने हैं, अच्छा। वो सो कॉल्ड यहाँ होते हैं इलेक्टेबल्स, जी जी इलेक्टेबल्स का भी मैं आपको बताऊं कि 2013 में बहुत बड़ी तादाद इनकी फारिग हुई थी और 2018 में उससे ज्यादा फारिग हो गए।